हेलो स्टूडेंट्स, बीसीए के फर्स्ट यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उससे पहले हमने ये पढ़ा था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक सब टॉपिक था जो कि सबसे की फंक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो था प्रोसेस मैनेजमेंट। तो आज हम इस वीडियो में प्रोसेस मैनेजमेंट ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस होती क्या है? An executing program is known as a process. कोई भी प्रोग्राम इस समय जो एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू उसे कैलकुलेट कर रहा है, वो क्या कहलाता है? एक तरीके की प्रोसेस कहलाती है। सो यहाँ पर एक प्रोग्राम सीपीयू जो रन कर रहा होता है करंटली में, यहाँ पे जो रन कर चुका है उसकी बात नहीं हो रही है, जो रन होने वाला है उसकी बात नहीं हो रही है, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, जो करंटली रन हो रहा है, या फिर अगर आपको रन और एग्जीक्यूट वर्ड समझ नहीं आ रहा है, जो करंटली प्रोग्राम अभी यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, कर रहा है सीपीयू, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम या वो पर्टिकुलर जॉब क्या कहलाता है? एक तरीके का प्रोसेस कहलाता है। सो ये जो प्रोसेस होती हैं, जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उन प्रोसेसेस को उनकी डिमांड के अनुसार रिसोर्सेस चाहिए रहती हैं। रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का रिसोर्स चाहिए होता है, मेमोरी चाहिए होता है, और इसके अलावा, रिसोर्सेस के अलावा, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइज वे में और इफिशियंटली वर्क करे, किस प्रोसेस को पहले वर्क कराना जरूरी है, प्रायोरिटी देखना है, किसी भी प्रकार का डेडलॉक ना आए। डेडलॉक का मतलब क्या हुआ कि सेम दो प्रोसेस एक ही रिसोर्स को रीच करने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से दोनों ही प्रोसेस अभी डेडलॉक सिचुएशन में आ गई है, मतलब हमारा सीपीयू आइडियल सिचुएशन में आ गया है। तो ये चीज ना हो, इन सभी चीजों का ध्यान रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। सो बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट के काम क्या होते हैं? सबसे पहला काम होता है सस्पेंडिंग एंड रीस्टार्टिंग द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करना और रीस्टार्ट करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है अपने फंक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू। दूसरा जो होता है, ऑफरिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मान लीजिए हमारे पास P1, P2, P3 प्रोसेसेस हैं और इन तीनों प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली वर्क करना है, तो इसके लिए इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क कंप्लीट करता है प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, वो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या हुआ? हमारे पास जब ये एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे, तो इन्हें किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखेगा। इसके बाद प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। सीपीयू को किसी प्रकार का थ्रेड हो, कोई खतरा हो, डेंजर हो, दैट मीन्स सीपीयू आइडल स्टेट पे जाने वाला है, इस चीज का भी ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। किसी भी प्रोसेस को, चाहे वो सिस्टम प्रोसेस हो या यूजर प्रोसेस हो, उसे क्रिएट या डिलीट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सो यहाँ पर प्रोसेस का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? एनी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड इज नोन एज अ प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में होता है तो हम उसे प्रोसेस कह सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात होगी। There are two types of processes. पहला होता है input output process, दूसरा होता है CPU bound process. जो input output bound process होता है, इसके अंदर हम किसी भी process का execution time calculate करते हैं कि वो input output operations कितनी देर में complete करता है. That means it is a type of process in which process execution time is calculated with the help of amount of time a process spends to complete input output operations. यहाँ पर कोई भी एक प्रोसेस, अगर ये P1 प्रोसेस को हम इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस अगर बोलते हैं, तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कितनी देर में कंप्लीट करता है। जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप होता है प्रोसेस का, वो होता है CPU बाउंड प्रोसेस। यहां पर भी हम प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम ही देखते हैं, बट वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम हम किस में कैलकुलेट करते हैं कि हमारा सीपीयू कितनी देर में वो पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, या फिर हमारा सीपीयू की क्या स्पीड है। सो अगर ये जो P2 प्रोसेस है, हम इसको सीपीयू बाउंड प्रोसेस बोलें, तो हम यहाँ पर इसको मेजर करेंगे, इसके एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करेंगे कि ये कितनी देर में सीपीयू इसे
सॉल्व करता है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है. सो सीपीयू बाउंड प्रोसेस इज अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सीपीयू स्पीड. इफ वी यूज अ फास्टर प्रोसेसर देन सीपीयू बाउंड प्रोसेस मे एग्जीक्यूट फास्टर. अगर हमारे पास बहुत फास्ट प्रोसेसर अवेलेबल है हमारे सीपीयू के अंदर, तो हमारी सीपीयू बाउंड प्रोसेस इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस से ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होगा. तो ये दो मेजर टाइप्स होते हैं प्रोसेस के. अब हम बात करेंगे प्रोसेस के कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस. हमारे पास मेजरली चार कंपोनेंट होते हैं प्रोसेस के. पहला होता है टेक्स्ट एरिया, दूसरा होता है डेटा, तीसरा होता है स्टैक, और लास्ट होता है हमारा हीप. तो यहां पर जो मैंने आपसे वर्ड यूज करे हैं टेक्स्ट और डेटा, इससे आप थोड़ा सा फिर भी जानते होंगे, आप इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते होंगे, लेकिन स्टैक और हीप एक अलग नया ही नाम मिला है आपको. तो अभी हम उनके नाम पे ना जाएं, आगे जाके जब आप इफ यू आर अ सीएस स्टूडेंट तो आप आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें आप स्टैक को बहुत थॉरली पढ़ेंगे, हीप को बहुत थॉरली पढ़ेंगे. तो आप अभी इन नामों से घबराए नहीं, अभी हमें सिर्फ इस नाम का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ. टेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो एक्चुअल में वैल्यू कंटेन करता है प्रोग्राम काउंटर की. यहां पर जो भी वैल्यू प्रोग्राम काउंटर की होगी, वो जो हमारा पीसी था हमने सीपीयू के टाइम पर रजिस्टर जो पढ़ा था, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो टेक्स्ट कंपोनेंट कंटेन करता है. डेटा जो हमारा है, डेटा कंपोनेंट है, वो कंटेन करता है स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स को. अभी ये स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज हम थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हैं. दैट मींस वो अगर एक बार, स्टैटिक का मतलब ये है कि पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे पास जो वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल की मिली हुई है वो वहीं पर रहेगी, हम उसे री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सॉरी वो मैंने गलत बोल दिया, वो तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, बट स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जहां पर हमको एक बार हमने इनिशियलाइज कर दिया उस वेरिएबल को, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसे फिर से री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं. अभी मानने के लिए, आप समझने के लिए ये चीज जानिए, नहीं तो हम सेकेंड यूनिट में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स को. एक्स एक आपके पास किसी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपने, इनिशियल वैल्यू आपने दी है 1, इनिशियल वैल्यू यहां पर 1 दी है. अब इसके बाद आप इस वैल्यू में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसे आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं. फाइन, ये हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स रहते हैं. दूसरे होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स. ग्लोबल वेरिएबल्स जो ग्लोबल एरिया में डिफाइंड होते हैं प्रोग्राम के अंदर, वो कहलाते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स. तो डेटा यहां पर क्या कंटेन करता है? स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स को. नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टैक. अभी ये स्टैक क्या होता है? स्टैक को आप एक तरीके से इस तरीके समझ लीजिए कि ये आपके पास एक सिलेंडर है और इसके अंदर, या फिर एक बॉटल है, इसके अंदर हम बॉल्स डाल रहे हैं. तो हमारे पास 4 बॉल है, 1, 2, 3, 4, हमने उनका नाम रख रखा है. तो सबसे पहले 1 बॉल डालेंगे हम यहाँ पर, सो ये 1, फिर 2 बॉल डाला हमने, 2, फिर नेक्स्ट बॉल डाला 3, और ये लास्ट बॉल हमने डाला 4, और हमारा स्टैक यहाँ पर फुल हो गया है. फाइन, यहाँ पे फुल हो गया है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट बॉल गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको अगर हमें बाहर निकालना है स्टैक के, तो उसके लिए हमें 4, 3, 2 सबको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही 1 निकलेगा. सो जब हम स्टैक के अंदर कोई वैल्यूज डालते हैं तो उसे हम कहते हैं पुश, और जब हम स्टैक के बाहर कोई वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं पॉप. ये किस लॉजिक पे वर्क करता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट. सबसे पहले जो यहाँ पर एंटिटी गई होगी वो सबसे लास्ट में आउट होगी, या फिर इसको आप रिवर्स कर दीजिए, सबसे लास्ट में जो एंटिटी गई होगी वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगी. दैट मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये स्टैक होता है, और स्टैक के अंदर हम यहाँ पे डेटा ही रखते हैं, वेरिएबल्स ही रखते हैं. हमारे प्रोसेस के मैटर में हम यहाँ पर स्टैक के अंदर लोकल वेरिएबल्स रखते हैं, रिटर्न एड्रेसेस रखते हैं, मेथड्स और फंक्शंस रखते हैं. ये सभी आपके एक इंडिविजुअल टॉपिक है यूनिट 2 के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट होता है प्रोसेस का, वो होता है हीप. हीप क्या होता है? इसको भी आप एक तरीके से एक मेमोरी रखने की जगह समझ लीजिए, जो कि डायनेमिक मेमोरी टाइप होती है. और ये इसे एलोकेट कब किया जाता है? जब प्रोसेस रन टाइम पर होती है, एग्जीक्यूट हो रही होती है. तो ये मेजर चार कंपोनेंट्स होते हैं प्रोसेस के. नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस.
एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस. यही एट्रीब्यूट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डिजाइन करते हैं. अभी ये एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया, मुझे डिफाइन करने के लिए कि मैं कौन हूं. जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मेरा रोल नंबर मेरा एट्रीब्यूट होगा, मेरे नाम मेरा एट्रीब्यूट होगा, मेरा मोबाइल नंबर मेरा एट्रीब्यूट होगा, मेरे फादर का नाम मेरा एट्रीब्यूट होगा. दैट मींस एनी इंफॉर्मेशन डिफाइंस दैट थिंग इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट. तो यहां पर भी हमारे पास प्रोसेस के लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. सबसे पहला होता है एट्रीब्यूट प्रोसेस आईडी. प्रोसेस आईडी इज अ यूनिक आईडी दैट इज असाइन टू अ प्रोसेस एट दैट टाइम व्हेन द प्रोसेस आर क्रिएटेड. यहां पर हम प्रोसेस आईडी किसी भी प्रोसेस को तब देते हैं जब वो प्रोसेस क्रिएट हो रही होती है. नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस. यहां पर जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो क्या कंटेन करता है, एड्रेस रखता है किसका, प्रोसेस के लास्ट इंस्ट्रक्शन का. नेक्स्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है प्रोसेस स्टेट. अभी प्रोसेस स्टेट का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस अभी क्या कर रही है, क्या वो रनिंग स्टेट पर है, क्या वो क्रिएट स्टेट पर है, क्या वो रेडी स्टेट पर है, क्या वो वेटिंग स्टेट पर है, या फिर टर्मिनेट है, या फिर कंप्लीट हो गई है. तो ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं, प्रोसेस स्टेट. नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है हमारा प्रायोरिटी. हम सीपीयू को इस एट्रीब्यूट की वजह से बता पाते हैं कि किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे पास, मतलब प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ, किसको हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है. नेक्स्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है वो होता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स. जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा विच इज जनरेटेड एट द टाइम ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन. यहां पर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते टाइम सीपीयू जब उसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो जिस भी प्रकार का डेटा इनपुट आउटपुट जो भी आ रहा होता है वो सब हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स में सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं. नेक्स्ट होता है हमारा लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, और साथ में हम समझते हैं लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस. ये दोनों ही लिस्ट होती हैं ओपन फाइल्स और ओपन डिवाइसेस की, जो कि प्रोसेस एग्जीक्यूट करते टाइम यूटिलाइज करने वाला है. अगर ओपन फाइल्स यूटिलाइज करने वाला है तो वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट रहेगी ताकि प्रोसेस बार बार उसे यूज कर सके. जो भी डिवाइसेस यूज करना है प्रोसेस को तो उसकी एक लिस्ट रहेगी हमारे पास ताकि उसे कॉल करना ईजी हो जाए. तो ये थे हमारे एट्रीब्यूट्स प्रोसेस के, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोसेस आईडी, उसके बाद पढ़ा था हमने प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद हमने प्रोसेस स्टेट पढ़ा था जिसको हम और थॉरली पढ़ने वाले हैं अभी आगे, उसके बाद हमने प्रायोरिटी पढ़ा था, जनरल पर्पस रजिस्टर्स पढ़ा था, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स पढ़ा था और लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस. अब हम थोड़ा ध्यान से इसी इनमें से एक एट्रीब्यूट है हमारा प्रोसेस स्टेट नाम का एट्रीब्यूट, उसे हम और ब्रीफली समझते हैं. प्रोसेस स्टेट कई तरीके की होती हैं. मैंने आपको बताया था रनिंग स्टेट, क्रिएशन स्टेट, टर्मिनेटेड, कंप्लीट. तो हम उन स्टेट्स को एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस स्टेट है वो कहलाती है न्यू स्टेट. न्यूली क्रिएटेड प्रोसेसेस या फिर जो प्रोसेस अभी क्रिएट ही हुई है ये क्या कहलाती है, न्यू स्टेट की प्रोसेस कहलाती है. तो यहां पर हमारे पास P1, P2, P3 है. अगर हमने अभी अभी P1 बनाई है तो ये कौन से स्टेट का पार्ट हो गया, न्यू प्रोसेस स्टेट का पार्ट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास होता है रेडी स्टेट. आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस प्रोसेस मूव्स टू द रेडी स्टेट एंड द प्रोसेस इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. अब हमने जैसे ही ये सभी क्रिएट हुई होंगी, ये भी न्यू स्टेट में थी और ये भी न्यू स्टेट में थी, जब ये सब क्रिएट हो गई हैं उसके बाद इनमें से कौन सी प्रोसेस हमें एग्जीक्यूशन के लिए देना है वो जाएंगी रेडी स्टेट पर. तो मान लीजिए हम यहां पर सिर्फ P1 को कर रहे हैं रेडी स्टेट में, राइट. नेक्स्ट जो स्टेट होता है हमारे पास रन स्टेट. करेंटली रनिंग प्रोसेस इन सीपीयू इज इन द रन स्टेट. जो भी प्रोसेस अभी करेंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है वो क्या कहलाती है, वो रन स्टेट में कहलाती है. तो अगर P1 रेडी होने के बाद एग्जीक्यूट होने लग जाएगी तो रेडी से चेंज होकर इसकी हो जाएगी स्टेट रन, राइट. नेक्स्ट हमारे पास होता है न्यू रेडी के बाद हमारे पास होता है टर्मिनेट वाला स्टेट, जिसमें हम या फिर इसको हम कंप्लीट स्टेट भी बोल सकते हैं. कंप्लीट स्टेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंप्लीट स्टेट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई तो ये रन स्टेट से हटकर चली जाएगी
कंप्लीट स्टेट पर, फाइन। इसके अलावा अब हमारे पास जो स्टेट्स होते हैं वो होता है वेट स्टेट। वेट स्टेट का मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत है या फिर किसी और रिसोर्स की जरूरत है तो वो रेडी स्टेट में तो थी लेकिन वो एग्जीक्यूशन स्टेट में नहीं गई, तो इसीलिए उस स्टेट को, जैसे अगर P2 स्टेट रेडी स्टेट में थी और इसे किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत थी तो उसे रेडी स्टेट से हटाकर वेट स्टेट में डाल दिया गया। दैट मींस एक लिस्ट बन गई जहां पर हमने प्रोसेसेस को डाल दिया जो कि वेटिंग स्टेट में थी, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का वेट कर रही है। तो यहां पर भी प्रायोरिटी वाइज प्रोसेसेस की लिस्ट बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है इसी को वेट को हम ब्लॉक स्टेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट होता है हमारे पास वो होता है सस्पेंडेड वेट स्टेट। अभी ये सस्पेंडेड वेट स्टेट क्या हुआ, यहां पर बहुत देर तक वेट करने के बावजूद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं मिला तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हमने सस्पेंडेड वेट स्टेट में डाल दिया। अब ये सस्पेंडेड वेट स्टेट से कहां जाएगी, वेट में जाएगी, वेट से रेडी में जाएगी और रेडी से फिर रन पर जाएगी। तो ये हमारे प्रोसेसेस का रन होने का पूरा वो हो गया, वे हो गया। अभी सस्पेंडेड वेट के बाद हमारे पास एक और स्टेट होता है वो कहलाता है सस्पेंडेड रेडी स्टेट। मान लीजिए सारी ही स्टेट्स एक साथ रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, रेडी स्टेट में है सबके सब, लेकिन किसी भी वजह से हमें उसको रेडी स्टेट के टाइम पर सस्पेंड करना पड़ा तो हमें उसे पॉज करने के लिए हम उस पर्टिकुलर स्टेट को डाल सकते हैं सस्पेंडेड रेडी स्टेट के अंदर। तो ये हमारे कुछ स्टेट्स थे जिसमें सबसे लास्ट में हम जो कंप्लीट स्टेट है हम टर्मिनेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। जब हमारा प्रोग्राम रन होके, जब हमारे प्रोसेस रन होके कंप्लीट हो जाएगा तो वो कंप्लीट या टर्मिनेशन स्टेट पर आ जाता है। आप ये एक डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्लियरली समझ आएगा कि हमारी प्रोसेसेस इन स्टेट्स के इर्द गिर्द किस तरीके से घूमती हैं। तो अभी हमने प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा है प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, प्रोसेस की हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जिनमें से प्रोसेस स्टेट्स हमने समझी।